आज एक बार फिर से कक्षा 12वीं हिंदी विषय के लिए हम लोग यहाँ आपसे मुलाकात के लिए आए हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन दिल्ली संभाग की ये पहल, जिसमें लॉकडाउन के कारण जो विद्यार्थी घर पर पढ़ने से कहीं वंचित थे, उनके लिए एक बड़ा प्रयास, उसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका मानते हुए हमने कई घंटों के प्रयास के बाद ये वीडियो तैयार किया है। कक्षा 12वीं हिंदी केंद्रित विषय की आज तीसरी कविता हमें देखनी है, जिसके बारे में पहले ही आपको सूचित कर चुका हूँ। तो अब हम समय का सदुपयोग करते हुए आते हैं अपनी कविता की ओर, जिसका शीर्षक है पतंग। कक्षा 12वीं हिंदी केंद्रित, इसके कवि हैं आलोक धनवा। आलोक धनवा, जिनका जन्म सन 1948 ईस्वी में मुंगेर बिहार में हुआ, उनकी प्रमुख रचनाएं, जिसमें पहली कविता है जनता का आदमी 1972 में प्रकाशित हुई, उसके बाद भागी हुई लड़कियां, ब्रूनो की बेटियां, जिनसे उन्हें काफ़ी प्रसिद्धि प्राप्त हुई, दुनिया रोज बनती है, ये उनका एकमात्र काव्य संग्रह है। उन्हें कई सम्मान प्राप्त हुए हैं, जिनमें प्रमुख है राहुल सम्मान, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद का साहित्य सम्मान, बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान, पहल सम्मान। काव्य संग्रह के अलावा वे पिछले 2 दशकों से देश के विभिन्न हिस्सों में सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय रहे हैं। उन्होंने जमशेदपुर में अध्ययन मंडलियों का संचालन किया और रंगमंच तथा साहित्य पर कई राष्ट्रीय संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों में अतिथि व्याख्याता के रूप में भागीदारी की है। पाठ्यपुस्तक में ली गई कविता पतंग आलोक धनवा के एकमात्र काव्य संग्रह का हिस्सा है। यह एक लंबी कविता है जिसके तीसरे भाग को पाठ्यपुस्तक में शामिल किया गया है। पतंग के बहाने इस कविता में बाल सुलभ इच्छाओं और उमंगों का सुंदर चित्रण किया गया है। बाल क्रियाकलापों एवं प्रकृति में आए परिवर्तनों को अभिव्यक्त करने के लिए सुंदर बिंबों का उपयोग किया गया है। बिंब, जिसके बारे में हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था, दृश्य बिंब, नाद बिंब, गंध बिंब, स्पर्श बिंब और स्वाद बिंब, ये 5 बिंब जिनके माध्यम से हम कविताओं को समझने की कोशिश करते हैं, उसमें 2 बिंब इस कविता में बार बार प्रयुक्त हुए हैं, जिनकी हम चर्चा भी करेंगे। एक तो दृश्य बिंब, दूसरा श्रव्य बिंब, जिसे नाद बिंब भी कहा जाता है। तो आसमान में उड़ती हुई पतंग, ऊंचाइयों की वे हदें हैं, वे सीमाएं हैं जिन्हें बालमन छूना चाहता है और उसके पार जाना चाहता है। कविता धीरे धीरे बिंबों की एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहां शरद ऋतु का चमकीला इशारा है। यहां मानवीकरण भी है, जो इस कविता की बहुत बड़ी विशेषता, और परीक्षाओं में अक्सर प्रश्नों के रूप में इसे पूछा जाता है। एक तो इसकी बिंब योजना के बारे में हमें कुछ विशेष याद रखना है, और मानवीकरण अलंकार भी आपको याद रखना है, क्योंकि इस वर्ष भी अभी 12वीं की परीक्षा शेष है। ये कक्षा 12वीं का विषय हिंदी केंद्रित, जिसकी सूचना हम पहले भी दे चुके हैं और फिर आपको पुनः सूचित कर रहे हैं, कक्षा 12वीं हिंदी केंद्रित, कविता पतंग। तो जहां तितलियों की रंगीन दुनिया है, दिशाओं के मृदंग बजाते बच्चे हैं, जहां छतों के खतरनाक किनारों से गिरने का डर है, लेकिन दूसरी ओर इस चुनौती का सामना करने के बाद निर्भय हो जाते बच्चे, और बच्चों के लिए पृथ्वी का हर कोना खुद ब खुद उनके पास आ जाता है। वे हर बार नई नई पतंगों को सबसे ऊंचा उड़ाने का हौसला लिए फिर भादों के अंधेरे के बाद शरद अर्थात उजाला उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जैसे हम सभी पुनः स्कूल खुलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, भादों की तरह ये अंधियारा समय अवश्य बीतेगा, वो उजाला आएगा,
जिसकी हम सब प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं कविता पतंग। सबसे तेज बौछारे गई, भादो हुआ। सबसे तेज बौछारे गई, भादो गया, सवेरा हुआ, खरगोश की लाल आंखों जैसा सवेरा। शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए, और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। दुनिया की सबसे रंगीन और हल्की चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके कि शुरू हो सके। सीटियों, खिलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को नर्म बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से, अक्सर छतों के खतरनाक किनारों तक, उस समय किरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनका ही रोमांचित शरीर का संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे के सहारे। पतंगों के साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। ये सुंदर सी कविता बाल मनोविज्ञान से संबंधित कवि का विशेष ज्ञान जो इस कविता में प्रकट हुआ है, प्रकृति में होने वाला परिवर्तन, जिसे हमारे हिंदू पंचांग में अक्सर हम ऋतुओं से जोड़कर सूर्य की विभिन्न राशियों में प्रवेश के आधार पर अपने हिंदू पंचांग का विशेष समय निर्धारण करते हैं, जिसमें 12 मास हैं। जैसे अंग्रेजी में हम जनवरी फरवरी पढ़ते हैं, वैसे ही आप लोग जानते होंगे चैत्र मास से हिंदू पंचांग की शुरुआत मानी जाती है। और कविता की ये कुछ और पंक्तियां, अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहरे सूरज के सामने आते हैं, पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। तो कठिन शब्दार्थ रंध्र, जिसे हम छिद्र भी कहते हैं, लेकिन यहाँ इसका रोम छिद्र से है। महज उर्दू शब्दावली है, लेकिन सरल शब्द है जिसका प्रयोग अपने आसपास अक्सर हम सुनते हैं, जिसका अर्थ है केवल। बौछारे, वर्षा की फुहारें, झुंड, दल या कि समूह, किलकारियां, बच्चों का आनंदित होकर चिल्लाना, नाजुक, कोमल, मृदंग एक प्रकार का वाद्य यंत्र जो हमने अभी इस पाठ में देखा। वास्तव में इस कविता में कवि ने पतंग के बहाने बाल सुलभ इच्छाओं और उमंगों का सुंदर चित्रण किया है, जिसका हमने पहले भी जिक्र किया, और आसमान में उड़ती वो पतंगे जिनके साथ बच्चों का मन भी उड़ जाना चाहता है। इसी कल्पनाशीलता के साथ हम इस कविता की व्याख्या की ओर आते हैं। हम शुरू से फिर से देखते हैं एक बार। क्योंकि आपके पास, सबके पास पुस्तकें उपलब्ध नहीं है, तो उसी के लिए कोशिश की गई है। सबसे तेज बौछारे गई, यानी वर्षा ऋतु समाप्त हो चुकी है। सामान्यतः अगर हम उत्तर भारत की बात करें, जून के अंतिम सप्ताह में वर्षा की शुरुआत होती है और जुलाई में ये अपने पूरे वेग पर रहता है, और सावन का महीना बीत जाने के बाद भाद्रपद, जो अगस्त सितंबर तक भी चला जाता है, तो वो दोनों महीने बीत चुके हैं। अर्थात सावन का महीना, जब वर्षा ऋतु अपनी पूरी गति के साथ धरती के प्राणियों की प्यास बुझाती हुई, कृषकों के मन में एक नई उत्साह की भावना को भरती हुई,
जीव जंतु प्राणियों को एक नया जीवन देती हुई। हर तरफ तेज वर्षा के कारण जलमग्न पृथ्वी और उसके बाद भादो का महीना, जिसमें वर्षा होती है कभी कभी रुक रुक कर, लेकिन तेज बौछारें होती हैं और उमस का समय भी ये रहता है। लेकिन सावन का महीना बीत चुका है, उमस का, भादो का महीना भी बीत गया। प्रकृति में एक नई हरियाली हर तरफ फैल गई और आसमान पर जो सवेरा हुआ, खरगोश की लाल आंखों जैसा सवेरा, सूर्य अपनी लालिमा के साथ सुबह उदय हुआ। आकाश पर तैरते सफेद बादलों के टुकड़े, कवि को महसूस हुआ मानो कोई खरगोश है, उसी के बीच से झांकता सूरज, कवि को महसूस हुआ कि मानो किसी खरगोश की सुंदर आंख है। तो यह नवीन उपमानों का प्रयोग कवि ने किया है। प्रयोगवादी काव्यधारा में अक्सर परंपरावादी रीतिकालीन या भक्तिकालीन उपमान योजना को बदलकर कवि नए प्रयोग करते रहे, और यहां भी कुछ ऐसा ही प्रयोग दिखाई दे रहा है। सूर्य की तुलना खरगोश की लाल आंखों से की गई है और शरद आया पुलों को पार करते हुए। शरद ऋतु का आगमन हुआ, जैसे आप साइकिल चलाते हैं, वैसे ही जैसे नई साइकिल आने पर बड़े उत्साह के साथ हम अपनी पूरी गली में पूरे शोर के साथ घंटी बजाते हुए हर तरफ ये दर्शाते हुए कि मुझे कुछ नया मिला है, वैसे ही शरद का आगमन यहाँ प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। और अक्सर ये मानवीकरण संबंधी प्रश्न परीक्षा में पूछा भी जाता है कि इस कविता का मानवीकरण स्पष्ट कीजिए। तो शरद का आगमन, शरद काल का आगमन इस प्रकार दिखाया गया कि मानो सूरज की चमकीली किरणें, लगता है कि मानो शरद के साइकिल के वो पहिए हैं जिनके तारे, चमकीले तारे हर तरफ रोशनी बिखेर रही हैं, साथ ही साथ घंटी बजाते हुए जोर जोर से, कि वो जोर जोर से घंटी बजा रहा है ताकि वो बच्चे, जैसे आप नई साइकिल लाते हैं या आपके घरों में नई गाड़ी आती है, देखते हैं जैसे घर के बाहर गाड़ी पहुंचती है, आपके पापा मम्मी जो भी गाड़ी लाए हैं वो हॉर्न बजाकर अंदर सूचना दे देते कि भैया गाड़ी आ गई, आओ जल्दी से स्वागत करो, पूरा घर बाहर निकल आता है। उसी तरह शरद ऋतु का आगमन बच्चों को उत्साहित करता है, प्रेरित करता है। सूर्य की चमकीली किरणें जो उन्हें जगा देते हैं कि आओ मौसम कितना अच्छा हो गया, गर्मी के कारण काफी समय तक बाहर ना निकल पाने वाले बच्चे इस मौसम में तुरंत सूर्य की किरणों का प्रभाव आते ही उठ जाते हैं, जाग जाते हैं, लगता है कि मानो उन्हें उठाया गया है। और चमकीले इशारों से बुला कौन रहा है? शरद काल। आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके, और सूर्य की वो किरणें उस समय अपने चकाचौंध से सबको प्रभावित तो करती हैं, लेकिन आसमान की ओर देखना भी संभव हो जाता है। आसमान भी लगता है बहुत मुलायम हो गया है, बादल के टुकड़े जो तैर रहे हैं लगता कि मानो वो उन्हें मुलायम बनाने की कोशिश की गई है, ताकि दुनिया की सबसे रंगीन और हल्की चीज उड़ सके। दुनिया की सबसे रंगीन, आपने देखा होगा मनुष्य निर्मित, मानव निर्मित कई उपकरण आसमान में उड़ पाते हैं, हवाई जहाज उड़ पाता है, हेलीकॉप्टर उड़ पाता है, आजकल आपने देखा होगा ड्रोन, जिसका इस्तेमाल अलग अलग रूपों में हो रहा है, कहीं सुरक्षा के लिए इसका, तो कहीं फोटोग्राफी के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, और आजकल क्वारंटाइन करने के लिए, दवा के छिड़काव के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसकी तुलना में ये सब काफ़ी वजनी, कुछ काफ़ी भारी रहते हैं, उनकी तुलना में मनुष्य द्वारा निर्मित सबसे हल्की चीज, अलग अलग रंगों से सजाई हुई चीज जो दुनिया में उड़ सकती है वो क्या है? पतंग। दुनिया की सबसे रंगीन और हल्की चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके। सामान्यतः हवा आने पर कागज उड़ सकते हैं, लेकिन अपनी मनचाही दिशा में पतंग के माध्यम से कागज को उड़ाने की कोशिश करते बच्चे, जब उसे उड़ाते कागज की सबसे पतली कमानी उड़ सके। कमानी जो पतंग बांस की खपचियों से बनाई जाती है, उसी खपचियों को हम क्या कह देते हैं? कमानी।
कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। अक्सर दिल्ली में भी हमने देखा है 15 अगस्त को पतंगें उड़ाई जाती हैं, सामान्यतः हमारे आसपास के परिवेश में पतंगें उड़ाई जा रही होती हैं और छतों पर बैठे सभी बच्चे, बूढ़े, युवा, जवान सभी सीटियां बजाकर किलकारियों से पतंगों को उड़ाते हुए अपना जोश और अपना उत्साह दिखाते हैं। और जिस प्रकार इस मौसम में हर तरफ रंग बिरंगी तितलियां उड़ती हैं, वैसे ही आसमान पर रंग बिरंगी तितलियां उन पतंगों को माना गया जो उड़ रही हैं। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, जन्म से ही, यानी शिशु का जन्म, जब कोई शिशु जन्म लेता है तो माँ के गर्भ से बाहर आने के बाद सबसे पहले उसे कपास का ही स्पर्श मिलता है। बच्चे से हम भी कपास के समान कोमल होते हैं, मुलायम होते हैं। तो जन्म से ही अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। पृथ्वी का वो सभी व्यक्ति जो बच्चों के आसपास कहीं होते हैं, वो बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए हमेशा बेचैन रहते हैं कि बच्चे को कुछ हो ना जाए। जब वो चलना सीखता है, उसकी उंगली थामकर, उसके हाथों को थामकर माँ उसे चलाती है, वैसे जब वो पतंग उड़ाते हैं, छोटे बच्चे जब पतंग उड़ाना सीखते हैं तो आसपास के उनके परिवार के लोग बेचैन भी हो जाते हैं कि डोर से उंगली ना कट जाए, बच्चे को चोट ना लग जाए। लेकिन बच्चे बेपरवाह, जब वे दौड़ते हैं बेसुध, उन्हें होश ही नहीं रहता, उनका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी पतंग की ओर। बच्चे पतंग उड़ाते हुए एक छत से दूसरी छत की ओर जाते हैं, कोई पतंग कट गई तो उसे लूटने के चक्कर में, या उड़ाते हुए दूसरी पतंग को काटने के लिए, छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। मृदंग एक वाद्य यंत्र, देखेंगे यहां वो चित्र में दिखाया भी गया है। चलिए, कुछ साथियों की शिकायत है कि तस्वीर अभी भी साफ नहीं है, तो हम कोशिश करेंगे। देखिए आप इसे और करीब से, जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं, पेंग भरना अर्थात झूला झूलने में, जब झूला आगे जाता है पीछे जाता है तो उसको बोलते हैं पेंग भरना। डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर, कभी कभी आपने पार्क में देखा होगा, छोटे बच्चे वृक्षों की डालियों पर झूल जाते हैं, ऊपर नीचे आते हैं, आगे पीछे जाते हैं। वैसे ही बच्चे भी पतंग उड़ाते समय कभी आगे जाते हैं, कभी पीछे जाते हैं, और कभी कभी छतों के खतरनाक किनारों तक चले जाते हैं। उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। अद्भुत कल्पना। कभी आपने क्रिकेट का मैच देखा हो, आखिरी बॉल पर जीतने के लिए 6 रन चाहिए, हम रोमांचित हो उठते हैं। वैसे ही पतंग उड़ाते बच्चे अपने आसपास अपने प्रतिद्वंद्वी की पतंग काटने के लिए उत्सुक, रोमांचित हो जाता उनका पूरा शरीर, एक संगीत सा उत्पन्न हो जाता है। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां, यहां भी मानवीकरण है, धड़कने जीव जंतु प्राणी उनका जीवन का हिस्सा है। जो साथी जानना चाहते हैं, 12वीं हिंदी कोर की 2 लाइव क्लास एक साथ चल रही हैं, तो उनको सूचित किया जाता है कि आप इन्हें रिकॉर्डिंग के रूप में भी देख सकते हैं, ये यहाँ वीडियो के रूप में उपलब्ध रहेंगी। जब भी आपको समय मिले आप अलग अलग कक्षाओं का लाभ उठा सकते हैं। तकनीकी दुनिया में, क्योंकि समय का अभी फिलहाल अभाव हमारे पास था, हिंदी केंद्रिक के ही गद्य और पद्य दोनों अलग अलग हिस्से हैं जिन्हें हम पढ़ रहे और पढ़ा रहे हैं। मुझे कविताओं को पढ़ाने का कार्य सौंपा गया है और मेरे साथी शिक्षक साथी जिन्हें गद्य भाग पढ़ाने का
अवसर मिला है। तो ये दोनों क्लास एक साथ चल रहे हैं, लेकिन आप जो क्लास आपको फिलहाल आसानी से उपलब्ध हो रही है उसका लाभ उठाएं, और दूसरी कक्षा आप फेसबुक के वीडियोस के माध्यम से देख पाएंगे, आपको उपलब्ध रहेंगे, इसलिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती महज एक धागे के सहारे की डोर। सोच सकते हैं बच्चा डोर के माध्यम से गिरने से बच नहीं सकता, लेकिन फिर भी वो डोर उसे गिरने नहीं देती। पतंगों के साथ वे भी उड़ रहे अपने रंध्रों के सहारे। रंध्र रोम छिद्र, कि उनका रोम रोम उन पतंगों के साथ आसमान की ओर उड़ता चला जाता है। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तो कभी कभी हाथ से भी हो जाते हैं, लापरवाही जानलेवा भी हो जाती है। लेकिन छोटे बच्चे अगर वो छत के खतरनाक किनारे से गिर गए और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। सुनहला सूरज प्रतीक है चुनौती का, कि जब कभी बचपन का एक अनुभव हमें विश्वास दिलाता है कि ये समस्या हम पहले भी देख चुके हैं, उसका सामना कर चुके हैं, उसे परास्त कर चुके हैं, तो सरलता से उस समस्या को झेल जाते हैं, उसका समाधान कर पाते हैं, उस पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। पूरी पृथ्वी, पूरा समाज, पूरा पारिवारिक सामाजिक परिवेश उन बच्चों को बचाने के लिए, उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए हमेशा उत्सुक दिखाई देता है। वैसे जैसे कभी आपने देखा होगा स्कूल में आपको कभी कभी मंच पर जाने का अवसर मिलता है, जो बच्चे मंच पर पहले भी जा चुके हैं उन्हें जाने में झिझक कम होती है, उन्हें लगता है ये तो हम कई बार जा चुके हैं, कई बार गीत गाए हैं, कई बार कविताएं बोली हैं, और उनका ये अनुभव उन्हें साहस देता है। वैसे ही बच्चे चुनौतियों का सामना करना सीख जाते हैं। कविता की व्याख्या के बाद बात आती है काव्य सौंदर्य की। तो इसमें शिल्प सौंदर्य के अंतर्गत दृश्य बिंब के प्रयोग की प्रधानता है, यानी कविता का जो वर्णन है उसमें जो चित्र दिखाई दे रहे हैं उन्हें सरलता से देखा जा सकता है, बनाया जा सकता है, पतंगों के चित्र बनाए जा सकते हैं, पतंग उड़ने वाले बच्चे हम देख पाते हैं, तो या खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, ये सारा दृश्य बिंब है। नए प्रतीकों का प्रयोग किया गया है। शरद आया अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, जन्म से ही लाते अपने साथ कपास, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। मृदंग वो वाद्य यंत्र जिसे, जैसे हम ढोलक बजाते हैं वैसे ही मृदंग भी एक वाद्य यंत्र है, जिसे कभी दाईं ओर से तो कभी बाईं ओर से बजाया जाता है, वैसे ही बच्चों का समूह कभी एक छत से तो कभी दूसरी छत से शोर मचाता है। आई बो वो काटा, दूसरे की पतंग कटते ही वो अपने उत्साह को प्रकट करते हैं। उसी प्रकार जब वो पेंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से, तो यहाँ गति बिंब है। जोर जोर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। मानवीकरण अलंकार का भी प्रयोग किया गया है, जिसके बारे में पहले ही बता चुका हूं मैं, और अक्सर ये पूछा भी जाता है। शरद आया अपनी तेज चमकीली साइकिल चलाते हुए, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा में उपमा अलंकार है। खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। मुक्त छंद में रची गई कविता है। इसको भी थोड़ा समझ लें, छंद क्या है। छंद का अर्थ होता है नियम। साहित्यिक विधाओं में प्राचीन काल से जब से कविताएं रची जा रही हैं, तो उन कविताओं को रचने के लिए कुछ विशेष नियम बनाए गए थे। जिस तरह गणित के नियम होते हैं, वैसे ही वहां भी नियम था कि किसी कविता की रचना के समय, जैसे हम दोहा पढ़ते हैं, दोहा दो पंक्तियों का होगा, 11-13 मात्राएं होंगी उसमें, यानी वहां मात्रिक और वर्णिक दो प्रकार के छंद उस समय रचे जाया करते थे।
वर्णों की संख्या के आधार पर जो छंद रचे जाते थे वर्णिक छंद, मात्राओं के आधार पर मात्रिक छंद। लेकिन कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने पुरानी परंपराओं का विरोध करते हुए मन की अभिव्यक्ति को स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए कविताओं की मुक्ति की बात कही थी, उन्होंने मुक छंद की शुरुआत की थी। तो मुक छंद को फिलहाल समझना यूं ही सरल होगा, आप अपनी कविता की पंक्ति देख सकते हैं, किसी पंक्ति में चार शब्द हैं, किसी में पांच शब्द हैं, किसी में तीन शब्द हैं, तो यहाँ नियम नहीं है, ये कविता छंद से मुक्त है। तो ये मुक छंद में रची गई कविता है। भाषा सरल व सहज है, उर्दू के शब्दों का प्रयोग भी किया गया है और मिश्रित शब्दावली होते हुए भी भावों में सहजता है। इसी के समान भाव की दूसरी कविताएं भी आप देख सकते हैं, अलग अलग ऋतु से शरद काल से संबंधित कविताएं आप देख सकते हैं, कवि तुलसीदास, कवि जयसी, कवि मतीराम, मैत्री शरण गुप्त, इनकी कविताओं को भी हम लोग देख सकते हैं। अब जो प्रश्न पूछे जाते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में कई बार आ चुका है, इसलिए सबसे पहले ऐसे प्रश्नों को लिया गया है जो परीक्षा उपयोगी है। आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है, आपके कुछ जगह नाराजगी भी मैं देख सकता हूं, लेकिन आप समझ सकते हैं सीमित संसाधनों में, क्योंकि श्याम पट हमारे पास मौजूद है लेकिन कैमरे की सेटिंग में फोकस नहीं हो पाता है। उसी तरह कक्षा का बोर्ड उपलब्ध होने के बावजूद हम कक्षाओं में नहीं जा पा रहे हैं, घर में ही जो संसाधन उपलब्ध हैं। और फिर उसके बाद एक कविता की तैयारी करने के लिए 5 या 6 घंटे हमें यहाँ लगे हैं, कि जब हम लिखते हैं बोर्ड पर दूर से तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ा जाता। अगर आप अपनी किताबों को अपने साथ रखें तो शायद समझना और सरल हो जाएगा, क्योंकि कक्षा में भी आपके पास आपकी पुस्तकें आपके पास रहती हैं और NCERT से ये पुस्तकें आसानी से डाउनलोड की जा सकती हैं। और पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न हैं, ये प्रश्न अगर आपके पास पुस्तक नहीं तो मैं पढ़ रहा हूं। सबसे तेज बौछारे गई भादो गया के बाद प्रकृति में जो परिवर्तन कवि ने दिखाया है उसका वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, कपास के बारे में सोचें और बताएं कि कपास से बच्चों का क्या संबंध बनता है। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, बच्चों का उड़ान से क्या संबंध है। सोचकर बताएं कि पतंग के लिए सबसे हल्की और रंगीन चीज, सबसे पतला कागज, सबसे पतली कमानी जैसे विशेषणों का प्रयोग क्यों किया गया है। आपसे जो प्रश्न पूछे जाएंगे, शरद का आगमन नई चमकीली साइकिल पर कैसे हुआ, नई चमकीली साइकिल क्या है, शरद ऋतु में आकाश के मुलायम होने का क्या अर्थ है, पृथ्वी का बच्चों के पास घूमते हुए आना बच्चों की किस मनस्थिति का संकेत है। तो देखते हैं पहला प्रश्न। अगर आपको चित्र दिखाई नहीं दे रहा है तो आप मेरी आवाज सुनकर समझने की कोशिश करें, मैं बहुत धीमी गति में उत्तर देने की कोशिश करूंगा। इस कविता में कवि ने प्राकृतिक वातावरण का सुंदर वर्णन किया है। भादो माह में तेज वर्षा होती है, इसमें बौछारें पड़ती हैं, बौछारों के समाप्त होने पर शरद का समय आता है, मौसम खुल जाता है, प्रकृति में निम्नलिखित परिवर्तन दिखाई देते हैं। 3 अंकों का यह प्रश्न आएगा तो कम से कम 3 बिंदु आपको बताने होंगे। सवेरे का सूरज खरगोश की आंखों जैसा लाल दिखाई देता है। शरद ऋतु के आगमन से उमस समाप्त हो जाती है, ऐसा लगता है कि शरद अपनी साइकिल को तेज गति से चलाता हुआ आ रहा है। वातावरण साफ व धुला हुआ सा दिखाई देता है, फूलों पर तितलियां मंडराती दिखाई देती हैं, धूप चमकीली होती है। एक प्रश्न जो अभी हमने पढ़ा था, सोचकर बताएं कि पतंग के लिए सबसे हल्की और रंगीन चीज, सबसे पतला कागज, सबसे पतली कमानी जैसे विशेषणों का प्रयोग क्यों किया गया है।
आपने व्याकरण में पढ़ा होगा विशेषण, वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है। जैसे मोटी पुस्तक, लंबा लड़का, मीठी चाय, मीठी, लंबी, मोटा, ये सारे शब्द विशेषण हैं। उसी प्रकार कवि ने पतंग के लिए सबसे हल्की हल्की और रंगीन रंगीन, सबसे पतला कागज पतला, सबसे पतली कमानी पतली, इन सारे विशेषणों का प्रयोग किया है। वह इसके माध्यम से पतंग की विशेषता तथा बाल सुलभ चेष्टाओं को बताना चाहते हैं। बच्चे भी हल्के होते हैं, उनकी कल्पनाएं रंगीन होती हैं, वे अत्यंत कोमल व निश्चल मन के होते हैं। इसी तरह पतंगे भी रंग बिरंगी हल्की होती हैं, वे आकाश में दूर तक जाती हैं। इन विशेषणों के प्रयोग से कवि पाठकों का ध्यान आकर्षित करना चाहता है। बिंब योजना स्पष्ट करें। काव्य सौंदर्य के संबंध में ये प्रश्न परीक्षा में लगभग हर वर्ष पूछा जाता है, एक इस कविता से और दूसरा उषा कविता से। दोनों कविताओं में से एक कविता से प्रश्न अवश्य आ जाता है। तो इसमें गतिशील बिंबों का प्रयोग किया गया है। तेज बौछारें, गतिशील दृश्य बिंब, सवेरा हुआ, बौछारें क्योंकि गति के साथ आ रही हैं, लगातार बरस रही हैं, तो गतिशील दृश्य बिंब, सवेरा हुआ, कुछ पल के लिए हम सवेरा देख सकते हैं, तो स्थिर दृश्य बिंब, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, स्थिर दृश्य बिंब, पुलों को पार करते हुए अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, गतिशील दृश्य बिंब, घंटी बजाते हुए जोर जोर से, तो इसे नाथ बिंब भी कहा जाता है, श्रव्य बिंब भी कहा जाता है, आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए, स्पर्श बिंब, पतंग ऊपर उठ सके, गतिशील बिंब। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। कपास के बारे में सोचे कि कपास से बच्चों का क्या संबंध बनता है। व्याख्या के अंतर्गत बताया था, कपास वे बच्चों के मध्य बड़ा गहरा संबंध है। कपास हल्की, मुलायम, गद्देदार व चोट सहने में सक्षम होती है। कपास की प्रकृति भी निर्मल व निश्चल होती है। उसी प्रकार बच्चे भी कोमल व निश्चल स्वभाव के होते हैं, उनमें चोट सहने की भी क्षमता होती है, उनका शरीर भी हल्का व मुलायम होता है। कपास बच्चों की कोमल भावनाओं व उनकी मासूमियत का प्रतीक है। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं। बच्चों का उड़ान से क्या संबंध है? पतंग बच्चों की कोमल भावनाओं की परिचायिका है। जब पतंग उड़ती है तो बच्चों का मन भी उड़ता है। पतंग उड़ाते समय बच्चे अत्यधिक उत्साहित होते हैं। पतंग की तरह बाल मन भी हिलोरे लेता है, वह भी आसमान की ऊंचाइयों को छूना चाहता है। इस कार्य में बच्चे रास्ते की कठिनाइयों को भी ध्यान में नहीं रखते। और इसका अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो आशय स्पष्ट करना है, छतों को भी नरम बनाते हुए दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। आशय स्पष्ट करने के लिए हमें कहा गया है, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने से क्या तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य है कि पतंग उड़ाते समय बच्चे ऊंची दीवारों से छतों पर कूदते हैं, तो उनकी पदचाप से एक मनोरम संगीत उत्पन्न होता है। यह संगीत मृदंग की ध्वनि की तरह लगता है, साथ ही बच्चों का शोर भी चारों दिशाओं में गूंजता है। तो ये प्रश्न आपके लिए दो तरह से उपयोगी हो सकते हैं। बोधात्मक प्रश्न आए तो आप इनके बारे में उत्तर लिख सकते हैं, और जब काव्यांश दिया जाता है और काव्यांश के नीचे तीन प्रश्न आएंगे दो दो अंकों के लिए, तो 20 से 25 शब्दों सीमा का ध्यान रखते हुए आप इनके उत्तर लिख सकते हैं। तो उसका भी सुंदर उदाहरण यहां दिया गया है। जब पतंग सामने हो तो छतों पर दौड़ते हुए क्या आपको छत कठोर लगती है? जब पतंग सामने हो तो छतों पर दौड़ते हुए छत कठोर नहीं लगती। इसका कारण यह है कि इस समय हमारा सारा ध्यान पतंग पर ही होता है, हमें कूदते हुए छतों की कठोरता का एहसास नहीं होता, हम पतंग के साथ ही खुद को उड़ते हुए महसूस करते हैं।
तीसरा प्रश्न, खतरनाक परिस्थितियों का सामना करने के बाद आप दुनिया की चुनौतियों के सामने स्वयं को कैसा महसूस करते हैं? खतरनाक परिस्थितियों का सामना करने के बाद हम दुनिया की चुनौतियों के सामने स्वयं को अधिक सक्षम मानते हैं, हम में साहस व निडरता का भाव आ जाता है, हम भय को दूर छोड़ देते हैं। तो आपके लिए कुछ गृह कार्य हमने सोचा है, क्योंकि आपके पास समय है और जिनके पास इंटरनेट की फैसिलिटी है, गूगल बाबा की मदद से वो काफ़ी काम कर पा रहे हैं, हमें भी उससे काफ़ी मदद मिल रही है। तो शरद ऋतु वर्णन की तरह ही आप अन्य ऋतुओं का संग्रह बना सकते हैं। यह आपके जीवन में शरद ऋतु क्या महत्व रखती है, आसमान में रंग बिरंगी पतंगों को देखकर आपके मन में कैसे ख्याल आते हैं, क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में एक प्रश्न आता है सृजनात्मक लेखन से संबंधित, वो 5 अंकों का प्रश्न होगा, तो उसके लिए भी आप अभ्यास कर सकते हैं। लगभग 150 से 200 शब्दों के बीच आप इसे लिखने की कोशिश करें, क्योंकि इससे आपके 2 लाभ होंगे, आपकी लिखने की गति बढ़ेगी और परीक्षा में आप अपने विचारों को अभ्यक्त कर पाएंगे, और बाद में ऐसी ही चीज़ें आपको अपनी मौखिक या श्रवण संबंधी परीक्षा कौशल के अंतर्गत भी आपको मदद करने वाली हैं। तो आप ज़रूर इसके बारे में कोशिश किया करें, स्वयं कुछ काव्यांश लिखें या गद्यांश लिखें। तो परीक्षा के संबंध में जो महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं, शरद ऋतु का आगमन कैसे हुआ, भादो मास के बाद मौसम में क्या परिवर्तन हुआ, बच्चों की दुनिया कैसी होती है, 2-2 अंकों के प्रश्न हैं जो काव्यांश के नीचे दिए जाते हैं, सामान्यतः वही प्रश्न मैंने यहाँ आपके लिए चुने हैं। पृथ्वी बच्चों के बेचैन पैरों के पास कैसे आती है, छतों को नर्म बनाने से कवि का क्या आशय है, बच्चों की पेंग भरने की तुलना के पीछे कवि की क्या कल्पना रही होगी। और इन पंक्तियों में कवि ने पतंग उड़ाते बच्चों की तीव्र गतिशीलता व चंचलता का वर्णन किस प्रकार किया है, सुनहले सूरज के सामने आने से कवि का क्या आशय है, गिरकर बचने पर बच्चों में क्या प्रतिक्रिया होती है, पैरों को बेचैन क्यों कहा गया है, पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, आशय स्पष्ट कीजिए। इसी प्रकार काव्य सौंदर्य संबंधी प्रश्न जो 3 अंक का प्रश्न परीक्षा में आता है, शरतकालीन सुबह की उपमा किससे की गई है, किससे तुलना उसकी की गई है और क्यों, मानवीकरण अलंकार किन पंक्तियों में प्रयुक्त हुआ है और उसका सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तीसरा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण, शरद ऋतु के आगमन वाले बिंब का सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो ये सारे प्रश्न आप सबके लिए उपयोगी हैं और साथ ही साथ उन विद्यार्थियों के लिए भी जिनकी इस साल अभी 12वीं कक्षा की परीक्षा होनी है, क्योंकि 19 तारीख से आप लोग लॉकडाउन में चले गए और आपकी बोर्ड एग्ज़ाम की जो परीक्षाएं थी उसमें हिंदी विषय भी छूट गया है अभी, और उम्मीद करते हैं जल्दी परिस्थितियां बदलेंगी, तो आपके वो साथी जो अभी 12वीं कक्षा की परीक्षाएँ दे रहे थे उनके लिए भी उपयोगी रहेगा, और साथ ही साथ जो विद्यार्थी अब नए सत्र में कक्षा 12वीं में प्रवेश पा चुके हैं और हो सकता है जल्दी ही उन्हें लगे कि उन्हें होमवर्क कर लेना चाहिए, तो ये वीडियो उनके लिए मददगार होगा। और ये एक कोशिश जिसमें आप अपनी वर्तमान स्थितियों को समझते हुए अपनी तैयारी कर सकते हैं, आपके पास पुराने रजिस्टर होंगे आप उन्हें का इस्तेमाल कर सकते हैं, उत्तर लिखने की कोशिश जरूर करें, क्योंकि दिन भर में आप सारा दिन वीडियो देखते रहेंगे तो शायद कुछ चीज़ें दिमाग में गूंजने लगेंगी, तो आप इन वीडियोस को बाद में भी देख सकते हैं, ये सुविधा भी आपके पास है, तो समय और स्थिति के हिसाब से आप इन्हें अवश्य देखें, अपने अध्ययन को निरंतर और नियमित रखें। अधिक सोने से
शरीर में आलस्य आएगा तो उसका त्याग करें, अपना टाइम टेबल अभी भी बना कर रखें, देर तक ना सोएं और रात को भी देर से ना सोएं। फिर सुबह उठने में देरी होती है, सारे काम फिर देरी से हम कर पाते हैं, तो आपके लिए क्योंकि विद्यार्थी हैं, विद्या का अर्थ ग्रहण करना इस समय आपका सबसे बड़ा उद्देश्य है। तो उम्मीद करता हूँ इस प्रस्तुति के लिए आपकी जो प्रतिक्रियाएं आएंगी उनकी प्रतीक्षा रहेगी। मैं पहले भी कह चुका हूँ, आपके जो भी प्रश्न होंगे उनके उत्तर आपको अवश्य दिए जाएंगे, आपकी जितनी भी चिंताएं हैं दूर करने की कोशिश की जाएगी और अपनी सीमाओं के लिए उन्हें क्षमा प्रार्थना के साथ मैं आपसे अनुमति चाहूंगा। इस प्रतीक्षा के साथ कि जल्द ही समय और स्थितियां बदलेंगी, हमने अभी जो अभ्यास किया है वो अभ्यास पुनः आपके काम आएगा। इन्हीं अपेक्षाओं के साथ आपकी प्रतिक्रियाओं का आभार व्यक्त करता हूं और आपसे पुनः उम्मीद करता हूं कि अपनी टिप्पणियां और अपनी प्रतिक्रियाएं अवश्य दें, क्योंकि हम उन्हें सुधारने की कोशिश तो करेंगे ही, लेकिन जो प्रश्न आपके मन में है उनके व्यक्तिगत स्तर पर भी आपको उत्तर प्राप्त होंगे, ये मेरा आपसे वादा है। और आप सबका पुनः